दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे आय, मूल, जाति, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, राशन कार्ड, A to Z जितनी भी योजनाएं हैं, आप उनका लाभ अपने मोबाइल से कैसे ले सकते हैं, घर बैठे आवेदन कैसे कर सकते हैं बिना आईडी पासवर्ड के। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोबाइल से लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई साथी यूपी। जैसा आप प्ले स्टोर अपना ओपन करते हैं, तो देखिए, जैसे मैंने प्ले स्टोर ओपन किया तो आपको ऊपर सर्च में लिखना है ई साथी यूपी। ये एप्लीकेशन जो आपको सबसे ऊपर मिल जाता है, और इसका जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जैसे आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। दोस्तों, इस तरीके का आपको इसमें इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों, अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने कंप्यूटर के लिए बनाया था कि आप अपने कंप्यूटर से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और उसका भी जो वीडियो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आवेदन की स्थिति। जैसे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप उसकी स्थिति यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा मिलता है प्रमाण पत्र का सत्यापन। जो आपने अपने डॉक्यूमेंट बनवाए हैं उनका आप सत्यापन इस जगह कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है उपलब्ध सेवाएं, कि सेवाएं क्या क्या हैं इसके अंदर। तो देख रहे हैं आप, जाति, आय, अधिवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, नई राशन कार्ड के लिए आवेदन, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, A to Z जितनी भी योजना है वो सारी योजनाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें जो राशन कार्ड जो है वो अभी चालू नहीं हुआ है। तो फिर इसके बाद दोस्तों, आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सेवाओं के लिए पंजीकृत लॉग इन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अपना लॉग इन आई डी पासवर्ड बनवाना होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, सेवाओं के लिए पंजीकृत लॉग इन करें। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद एक अलग गूगल में एक इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपको मिलेगा। इसमें आप जैसे हल्का सा नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस इसमें मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो है पहले लॉग इन आई डी आपको बनानी है, कि लॉग इन आई डी क्या है आपकी। तो आपको यहाँ पर कोई अपना नाम डालना है, जैसे कि मैं एक आपको गलत डाल के दिखा देता हूँ। और आपको ये जांच करनी है कि इस नाम से पहले कोई आईडी तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ उपलब्धता की जांच करें, और इसके बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह लॉग इन आईडी उपलब्ध है, तो आप ये जो है इस आईडी से बना सकते हैं। फिर आपको अपना आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंक, आवासीय पता, पिन कोड और जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड 1319 04 वाला आपको डालना है। इसके बाद लॉगिन आईडी जो है वो आपको अपनी याद रखनी है, और आपको बैक आना है। दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा। तो जैसे आप अपना यूज़र का नाम डालेंगे, ये बोला है यहाँ पे यूज़र का नाम, तो आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपके पास जो पासवर्ड आया है आपके मोबाइल पर वो आपको इस जगह पे डालना है। इसके बाद आपको इस जो सुरक्षा कोड है वो आपको डालना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने अपना मोबाइल वाला OTP डाला है तो आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको इस तरीके का इसमें इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आवेदन करें, सेवा शुल्क भुगतान, पासवर्ड परिवर्तन, आवेदन की सूची और निस्तारित आवेदन, और छठा जो है वो है प्रावधि पत्र प्रतिलिपि। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ऑप्शन है इसमें वो है आवेदन करें, और ये चौथा वाला जो है आवेदन की सूची, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने अभी तक कितने फॉर्म भरे हैं, निस्तारित आवेदन देख सकते हैं। तो हम जो पहले क्लिक करने वाले हैं वो है आवेदन करें। तो दोस्तों, इसमें आपको फिर इस तरीके का इसमें इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं इसके गाइडलाइन क्या है, कितने MB का फोटो अपलोड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम साइज जो है वो 50 KB का है। तो आपको क्लिक करना है कि मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ के बाद आपको आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों, आपको ये सारी जो योजना है वो आपको नीचे तक टोटल मिल जाती हैं। इसके बाद हम समस्त सेवाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहली वाली पे क्लिक करना है, समस्त सेवाएं। समस्त सेवा में जितनी भी योजना है वो सब टोटल यहाँ पर आ चुकी हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आप टोटल देख सकते हैं जितनी भी योजनाएं हैं वो सब आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, टोटल राशन कार्ड संशोधन, राशन कार्ड आवेदन, राशन कार्ड समर्पण, जन सुनवाई, टोटल जितनी भी आपको योजना आप मिलती हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जाति प्रमाण पत्र पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फॉर्म जो है वो आपको इस तरीके का मिल जाएगा। आपको ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल कर देना है और इस फॉर्म को हम किस तरीके से भरेंगे तो इसका जो वीडियो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये पेंशन वाले जो हैं, जैसे आप देख रहे हैं विधवा पेंशन, तो आप जैसे विधवा पेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये एक अलग पेज पे ले जाएगा। और दोस्तों यहां पर आपको टोटल जितनी भी पेंशन है वो आपको सब पेंशन मिलती है, समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और विकलांग जन पेंशन। तो जैसे आप वृद्धावस्था पेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आवेदन करें, तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है न्यू एंट्री फॉर्म, और ये फॉर्म आ चुका है, अब आपको ये फिल करना है। और दोस्तों इसको फिल किस तरीके से करेंगे इसका जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजना है उनका लाभ अपने घर बैठे ले सकते हैं अपने मोबाइल से। दोस्तों अगर आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।